शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर और तहसील में शिवसेना की ओर से बुधवार को विभिन्न उपक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पर मंडरा रहे राजनीतिक संकट के मद्देनजर शिव सैनिकों ने शिवसेना के साथ डटे रहने का विश्वास जताया है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे इनका जन्मदिन बुधवार को महाराष्ट्र भर में उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर और तहसील शिवसेना की ओर से विभिन्न सामाजिक उपक्रमों को भी अंजाम दिया गया। दिग्रस में स्थित भवानी माता मंदिर में सुबह 8 बजे विशेष पूजा का आयोजन कर स्थानीय शिव सैनिकों ने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के सेहत और खुशहाल निरोगी जीवन की कामना की। इसके साथ ही भवानी टेकड़ी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल में मरीजों को फल और बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारियों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। आज महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांचा वाढदिवस, त्या वाढदिवसानिमित्त दिग्रस तालुका दिग्रस शहर शिवसेनेच्या वतीने सर्वप्रथम आम्ही भवानी मंदिरावर भवानी मातेचं अभिषेक केला आणि तिथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम केला। त्यानंतर आता सरकारी रुग्णालयामध्ये रुग्णांना फळ वाटप, बिस्किट वाटप, फ्रूट वाटप केले आणि ह्याच्यानंतर आता शिवसेनेचे जे ज्येष्ठ आहेत ते आजही पक्षासोबत उभे आहेत गंभीरपणे, त्या सर्वांचा आम्ही आज सत्कार करणार आहोत। शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवसानिमित्त आज आम्ही हे कार्यक्रम आयोजित केला होता। महाराष्ट्रात आज तुम्हाला माहिती आहे राजकारण काय चालू आहे, अशा कठीण काळामध्ये माझ्यावर या पक्षाने विश्वास दाखवला, या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही, हे मी आज तुम्हाला सर्वांसमोर बाही देतो। विभिन्न सामाजिक उपक्रमों की इस कड़ी में शिवसेना के साथ बरसों से हर मुसीबत में मजबूती से खड़े रहने वाले वरिष्ठ तथा निष्ठावान शिवसैनिकों का सत्कार भी किया गया, जिसमें पूनम पटेल, बंडू अन्ना मात्रे, शेख फरीद, हेमंत रत्न पारखी, बद्रू चौहान, प्रकाश अन्ना नालमवार, एडवोकेट प्रवीण ढाले, जगदेवराव शिंदे, राजू मोरे आदि शिवसैनिकों का समावेश था। राजकारणामुळे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांच्यावर जे संकट आलेलं आहे ते संकट त्वरित टळो आणि उद्धव साहेब यांना दीर्घ आयुष्य, सुदृढ आयुष्य लाभो ही आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पार्टी पर सियासी संकट मंडरा रहा है, लेकिन राज्य भर में शिवसेना को लेकर शिवसैनिकों का लगाव, उनकी आत्मीयता और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति उनका आत्मविश्वास अब भी बरकरार है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इनके जन्मदिन के मौके पर इसी आत्मविश्वास और निष्ठा की जिंदा मिसाल को दिग्रस शहर और तहसील शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज हकीकत में साकार किया है। न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।